हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। वो क्वेश्चन देखिए आप, इन द बटन सेल्स वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड इन अदर डिवाइसेस फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये वाली रिएक्शन होती है, डिटरमिन ई जीरो सेल एंड डेल्टा जी जीरो गिवन इन दिस रिएक्शन। टेक्स्ट बुक में आपके इतना दिया है, ये पार्ट नहीं दिया, लेकिन जब भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो इस तरह से आपको वैल्यू दी गई रहेगी। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? Zn सॉलिड प्लस Ag2O सॉलिड प्लस H2O इक्वल टू Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag प्लस 2OH माइनस। अभी तक बच्चों आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, आपको एक इलेक्ट्रोड मिलना था पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव, यानी एनोड कैथोड दो इलेक्ट्रोड मिल रहे थे, यानी एक सॉलिड मेटल और एक आयन आपस में रिएक्शन कर रहे थे। तो आप इजीली उसको पहचान पा रहे थे कि इसमें ये एनोड और ये कैथोड का काम करेगा। यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ नहीं पाते हैं कि कैसे क्या चीज़ है, ये रिएक्शन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो सिंपली है, आप क्योंकि आपको यहाँ निकालना क्या है, ई जीरो सेल निकालना है। ई जीरो सेल निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एनोड कौन है और कैथोड कौन है, इतनी सी बात है। अब आप नहीं समझ पाते हैं, देखिए कैसे समझना है। अगर आपने यहाँ अभी तक आप कर रहे थे, दो स्पेसेस इधर देख रही थी, दो स्पेसेस इधर दिख रही थी, आप इजीली उसको कर पा रहे थे। तीन स्पेसेस में कोई टेंशन की बात नहीं है, तीन इधर हैं, तो ये सब देखकर आप चकरा जाते हो। आपको क्या करना है, हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए, सब जितना भी एलिमेंट है। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, जीरो है। सिल्वर का यहाँ Ag2O है, एक ऑक्सीजन के साथ दो सिल्वर कनेक्ट है, यानी एक सिल्वर पे एक प्लस चार्ज हो गया। एक ऑक्सीजन पे दो माइनस होता है, ऑक्सीजन का दो माइनस है, यहाँ पे एच का प्लस वन है, क्योंकि दो ऑक्सीजन पे दो माइनस है, तो एक ऑक्सीजन पे दो माइनस चार्ज है, तो एक हाइड्रोजन पे प्लस वन हुआ। जिंक पर यहाँ प्लस टू चार्ज हो गया और सिल्वर पर यहाँ जीरो चार्ज हो गया, क्योंकि सिल्वर सिंगली अकेला एलिमेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस टू और हाइड्रोजन पे प्लस वन चार्ज, ठीक है। हाइड्रोजन पे प्लस वन क्यों है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे दो माइनस चार्ज है, दो माइनस चार्ज इक्वल टू ये टोटल चार्ज इधर माइनस टू इक्वल प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू माइनस वन। तो हाइड्रोजन पे कितना हो गया, माइनस वन प्लस टू इक्वल टू प्लस वन चार्ज हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन पे। अब आप देखिए किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, किसकी घट रही है और किसकी बढ़ रही है। जिसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका पॉजिटिव चार्ज घट रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। जिंक को देखिए, यहाँ पे जिंक यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, और सिल्वर का क्या हो रहा है, सिल्वर यहाँ प्लस वन ऑक्सीडेट से जीरो में गया। ऑक्सीजन माइनस टू में यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस टू में है, यहाँ भी माइनस टू है। हाइड्रोजन यहाँ भी प्लस वन है, वहाँ भी प्लस वन है, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ सिल्वर में और जिंक में चेंज हुआ है। तो सिल्वर में क्या चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको प्लस वन से जीरो हो गया, यानी ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी सिल्वर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और अगर सिल्वर का रिडक्शन हुआ, इसका मतलब ये काय का काम करेगा, सिल्वर इज द कैथोड इन दिस रिएक्शन। जिंक में देखिए ये जीरो से प्लस टू हो गया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो से प्लस टू होने के लिए इसने दो इलेक्ट्रॉन लिया होगा, दिया होगा, तो ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, यानी जिंक का क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मतलब ये जिंक यहाँ इस रिएक्शन में क्या काम करेगा, एनोड का काम करेगा। आपने एनोड और कैथोड पहचान लिए रिएक्शन में। अब बारी आती है ई जीरो सेल निकालने की। तो ई जीरो सेल इक्वल टू क्या होता है, ई जीरो सेल होता है ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड।
लेकिन बच्चों अभी भी ये जरूरी नहीं कि आप ये क्वेश्चन सही कर लेंगे, क्योंकि अभी भी इसमें गलती के चांस हैं। यहाँ पे देखिए एनोड और कैथोड की ई0 वैल्यू यहाँ दी गई है, कई बच्चे यहाँ कैथोड की ई0 वैल्यू यहाँ पे क्या है, यानी ये सिल्वर रेडॉक्स कपल की ई0 वैल्यू दी गई है। इनडायरेक्टली आपको दिया गया है, ये ऐसे ना लिख करके आपको ऐसा दे दिया जाता है ई0 Ag प्लस Ag इक्वल टू प्लस 0.344 वोल्ट, तो आप सब इसको पहचान लेते कि ई0 सिल्वर की वैल्यू दी गई है, और ये ऐसे दिया जाता तब भी आप इजीली कर लेते। पहचान जाते हैं आप ये क्या दिया गया है हमको, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं दे करके आपको इस तरह से दिया गया है, तो आप पहचानिए इसमें क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है, Ag प्लस Ag यानी 0 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये क्या है सिल्वर के Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट होने की यही वाली रिएक्शन की ई0 वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। ऐसे नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर ऐसे दे दिया गया तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में जब ई0 वैल्यू ऐसे दी गई है तो ये हॉट लेवल का क्वेश्चन हो गया, हॉट क्वेश्चन मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हो गया, और इसमें आपकी गलती के चांसेस भी बढ़ गए। पहले स्टेप में तो आप यहीं अटक गए थे, अब यहाँ से आप क्रॉस हुए तो आप यहाँ गलती करके जरूर आएंगे। 95% बच्चे यहाँ गलती करके आते हैं, और बहुत सारे बच्चे यानी 95% बच्चे यहीं पे अटक जाते हैं, क्वेश्चन देखा और छोड़ दिया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन उनको किया नहीं, उनको समझ नहीं आता एनोड कौन है कैथोड कौन है, ई0 सेल ही नहीं निकाल पाते हैं बच्चे। तो यहाँ देखिए क्या आपको ध्यान रखना है, नोटिस ये रखना है हमेशा जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैंने आपको बताया यहाँ पे रेडॉक्स पोटेंशियल ही रखना है, रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे क्या हो रहा है Ag प्लस Ag में हो रहा, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का पोटेंशियल यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है 0.344 वोल्ट माइनस। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, बच्चे आँख बंद करके रखाते हैं क्योंकि उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ क्या हो रहा है जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और जो रिएक्शन दी गई है उसमें भी Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, और ई0 वैल्यू 0.76 वोल्ट है। तो वो सोचते हैं कि ये रिडक्शन की मतलब इस रिएक्शन की ई0 वैल्यू है, और ये वाली जो ई0 वैल्यू है इस रिएक्शन की है, तो आँख बंद करके उन्होंने क्या किया ये और 0.76 वोल्ट ऐसा लिख देते हैं, -76 वोल्ट, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है, यहाँ पे हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना चाहिए। ये आपका क्या दे रहे हैं, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, मतलब ये आपको दे रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं रखना है आपको। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे बदल सकते हैं हम, इस रिएक्शन को पलट दें, ये रिएक्शन पलट देंगे तो ये साइन भी पलट जाएगा, यानी ई0 वैल्यू -0.76 वोल्ट रखनी है ये इस तरह से। तो ये जरूरी नहीं कि आप रिएक्शन को पलट करके लिखें, आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ये जिंक के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है और हमको यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, तो हम क्या करें इसका साइन बदल दें, रिएक्शन पलट दें, रिएक्शन पलटेंगे तो ये साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। मन में सोच लीजिए सिर्फ, ये पलट करके लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये कर लिया आपने तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1.104 वोल्ट आ गई आपकी ये वैल्यू। तो ये आपको इस तरह से करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, Δg0 निकालना है, तो Δg0 निकालने में आ जाइए। Δg0 निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, Δg0 निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है -NE0F। तो Δg0 R इक्वल टू -NE0F, तो इसमें आपने देख लिया होगा 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब जो और सिल्वर, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलती करने के चांसेस होते हैं, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और सिल्वर का जब आप लिख रहे हैं +1 इलेक्ट्रॉन, तो इसने एक ही लिया है, तो आप ध्यान रखिए दो रिएक्शन लिख रहे हो, दो में जो ज़्यादा वाला है वही वाला, यानी एन की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, यानी इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2 हो गई, तो
तो n इक्वल टू माइनस टू इंटू ई जीरो आपने कितना निकाला था, 1. कितना था ये आपका 1.104 है ना, 1.104 वोल्ट इंटू एफ की वैल्यू 96500. सो डेल्टा जी जीरो आर ये आ गया आपका माइनस, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो याद आएगा माइनस 2.13 इंटू 10^5 जूल. तो ये तो सिंपल है निकालना. यहाँ पे बस समस्या क्या है, एक तो ये चीज़ आपको ध्यान से रखनी है ये वाली कि यानी फॉर्मूले में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है. दूसरा, कितनी भी स्पीसीज दी गई हो, ऐसी क्वेश्चन ना हो इसके जैसा मिलता जुलता कोई दूसरा क्वेश्चन हो तब भी आपको क्या बिल्कुल सावधानी से करना क्या है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लीजिए और फिर वो केवल दो स्पीसीज ढूंढ लीजिए, जिस केवल दो ही स्पीसीज आपको पूरी रिएक्शन में ऐसी मिलेंगी जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा, एक का घट रहा होगा एक का बढ़ रहा होगा. उन दो को आइडेंटिफाई करके आप जान लीजिए कि कौन एनोड का काम करेगा, कौन कैथोड का काम करेगा और आंसर निकाल लीजिए. तो आज के लिए इतना ही.